Hello students, in this video we are going to solve this question. In triangle ABC, AD, BE, CF are the medians. Prove that this one. Okay, so सबसे पहले हम एक triangle बना लेते हैं और medians बना लेते हैं. Okay, मैंने figure यहाँ पे draw कर लिया, ध्यान से देख लो. ABC है, AD median है, BE median है and CF median है. ठीक है, हमें ये prove करना है. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा, BD, DC, EC, EA. ठीक है, अगर हम ध्यान दें यहाँ पे मीडियन का क्या मतलब होता है. तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन. इन ट्रायंगल ABC, AD, BE एंड CF आर मीडियंस टू रिस्पेक्टिव साइड्स, ऐसा हम लिख देते हैं. ED कहाँ पे है? रिस्पेक्टिव साइड BC. BE कहाँ पे है? AC पे है. CF कहाँ पे है? AB पे है. ठीक है, ओके. अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें BD इज इक्वल्स टू DC एंड दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ BC. ध्यान से देख लो, BD आधा है BC का, उसी तरह DC क्या है? आधा है BC का. ठीक है, ये रिजल्ट ध्यान रखना. AE इक्वल्स टू EC इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी. फिगर में देखते हुए चलो, ए ई किसका आधा होगा? पूरे का आधा होगा ए ई. उसी तरह ई सी क्या होगा? वो भी तो आधा होगा. उसी तरह ए एफ देखो क्या होगा. ए एफ सोचो, बताओ क्या होगा. ए एफ विल बी हाफ ऑफ ए बी होगा. बट ए एफ जो है वो एफ बी भी तो है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? एफ बी भी लिख सकते हैं. ठीक है, अभी हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे. बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए एफ सी पे ध्यान दो जरा. ए एफ सी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर के ऑपोजिट साइड ए एफ सी में, तो ए सी क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा. सो ए सी स्क्वायर विल बी सी एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर. देयर फॉर ए सी स्क्वायर विल बी सी एफ स्क्वायर. अच्छा, ए एफ के बदले हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं. आई होप ये क्लियर हो रहा होगा. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी एफ स्क्वायर प्लस वन बाई फोर ए बी स्क्वायर. अब हम एक काम कर सकते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं. ठीक है, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये फोर कहाँ पे आ जाएगा? फोर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर सी एफ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. आई होप ये स्टेप समझ में आ गया होगा. हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एलसीएम लेना है. तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा? फोर होगा ना. ठीक है, ओके, इसको हम इक्वेशन वन दे देते हैं. उसी तरह अब हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करेंगे. अगेन इन ट्रायंगल बी सी ई पे ध्यान दो. बी सी ई, सॉरी बी सी ई, ठीक है ना. तो ये 90 है, तो इसके ऑपोजिट क्या होगा? बी सी होगा. ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा. सो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर. देयर फोर ई सी के बदले हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे ई सी नज़र आ रहा है, ई सी के बदले हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ ए सी लिख सकते हैं. सो बी सी स्क्वायर इज बी ई स्क्वायर प्लस वन बाई फोर ए सी स्क्वायर. अच्छा चलो, मैं इस स्टेप में मैं तुम्हें एलसीएम लेना बता दे रहा हूँ, इन केस अगर तुम्हें नहीं समझ में आया. तो यहाँ पे क्या होगा? फोर एलसीएम होगा. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो फोर क्या होगा? डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर बी स्क्वायर. यहाँ भी पे भी फोर है, यहाँ भी फोर है, तो कुछ भी नहीं होगा. जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज लिखा देंगे. और ये फोर क्या होगा? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. देयर फोर
फोर, बी सी स्क्वायर बी ई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये हमारा हो गया इक्वेशन टू। इसी तरह सिमिलरली एक और बार हमें करना पड़ेगा, कहाँ करेंगे लेट्स सी, इन ट्रायंगल ए डी बी पे आ जाते हैं, ए डी बी सेम पाइथागोरस, ए डी बी क्या होगा हाइपोटेन्यूस ए बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अच्छा बी डी देखो यहाँ पे क्या है, बी डी, बी डी इज वॉट हाफ ऑफ बी सी है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ बी सी का स्क्वायर। देयर फोर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन बाई फोर बी सी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर ए बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर ए डी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा बी सी स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर थ्री। अब हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें क्या बोला गया था, देखो ए सी नज़र आ रहा है, यहाँ पे ए सी आ चुका है, बी सी आ चुका है, और ए बी, ए बी भी यहाँ पे आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा, तीनों को ऐड करना है, सो लेट्स ऐड इट। अब हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, एडिंग वन टू एंड थ्री, सो फोर ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर is what 4 AD square BC square 4 BE square AC square 4 CF square and plus AB square, ठीक है। जो पीछे जो रिजल्ट आया है ना उसी को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे जरा ध्यान देखो, यहाँ पे 4 AC square है, यहाँ पे मुझे AC दिख रहा है, ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्टीमेटली 3 बचेगा। देखो ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज सम बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे 4 बी सी स्क्वायर है, यहाँ पे मुझे एक सिंगल बी सी दिख रहा है, जब ये बी सी इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3 बी सी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह 4 ए बी है और यहाँ पे मुझे ए बी दिख रहा है, ये आएगा तो ये भी सेम हो जाएगा, 3 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बाकी रहा, 4 ए डी स्क्वायर 4 बी ई स्क्वायर एंड 4 सी एफ स्क्वायर, बस आंसर आ चुका है। 3 को कॉमन ले लेंगे, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 कॉमन आ जाएगा, ए डी स्क्वायर बी ई स्क्वायर एंड सी एफ स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था, सो हैंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, थैंक यू।